नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब लिखा है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो देख के आप ढेर सारा कुछ अर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, बैंक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। और ब्लॉग से भी अर्निंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम काम भी करना सीख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, वीडियो चैनल पर बहुत सारे वैल्यूएबल जानकारी आती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेली आके वीडियो जरूर देखना, ठीक है। दोस्तों चलो इस वीडियो में जैसा कि बताएंगे हम आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एक है डॉट 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 मॉरिटोरियम एक्सटेंशन सभी बैंक एनबीएफसी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे जो मॉरिटोरियम एक्सटेंशन यानी मॉरिटोरियम 2.0 अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे, इसमें आखिर क्या खास है जो आप सभी लोगों ने मॉरिटोरियम 2.0 यानी मॉरिटोरियम एक्सटेंशन आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले आपको मालूम होगा, जो मॉरिटोरियम एक्सटेंशन यानी 2.0 से पहले आपने मॉरिटोरियम लिया होगा मॉरिटोरियम 1.0, ठीक है, मॉरिटोरियम पार्ट 1 और अभी पार्ट 2 चल रहा है। मॉरिटोरियम पार्ट 2 ये जो अभी जो चल रहा है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन यानी मॉरिटोरियम 2.0, ये कब से कब तक है? ये है दोस्तों 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक, ठीक है। ये देखिए 23 मई वाला RBI का ये नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नोटिफिकेशन में जाना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं मॉरिटोरियम 2.0 मॉरिटोरियम एक्सटेंशन यानी एक है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन जो आपने थंबनेल में देखा, हम वही चीज बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये देखिए, यानी 23 मई का RBI का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में RBI ने बताया हुआ है जो मॉरिटोरियम ये सभी बैंक NBFC, ये NBFC कंपनी हो गया, सभी बैंक हो गया, कोऑपरेटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक सभी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये मॉरिटोरियम एक्सटेंशन 2.0 यानी मॉरिटोरियम जो अभी चल रहा है, एक है मॉरिटोरियम, ये मॉरिटोरियम कब से कब तक है? ये मॉरिटोरियम है दोस्तों 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक है, एज पर RBI गाइडलाइन न्यू नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पब्लिश्ड नोटिफिकेशन ऑन 23 मई 2020, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यानी इसमें देख लिया आपने 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक मॉरिटोरियम चल रहा है और आप सभी लोग मॉरिटोरियम का आनंद भी ले रहे हैं और टाइम पास भी कर रहे हैं बहुत मज़े से, ठीक है। अब टाइम पास थोड़ा कम कीजिए, कम करो और थोड़ा काम वाम भी कर लो ऑनलाइन, ताकि अर्निंग कुछ करोगे तब ना लोन का पैसा भर पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको मालूम ही है क्या होगा, बैंक वाला क्या करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी इनमें से क्या है, जो जून और जुलाई यानी 2 महीने का तो मॉरिटोरियम निकल गया अब, ठीक है, जून और जुलाई तो ख़त्म ही होने वाला, जून जुलाई निकल गया। अब दोस्तों आ गया अगस्त, यदि आपने अगस्त का मॉरिटोरियम नहीं लिया है, ठीक है, आपकी अगस्त में EMI जाती है और आपने केवल 2 महीने के लिए अप्लाई किया होगा जून जुलाई के लिए, और अब अगस्त का भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बैंक है जो आपको महीने महीने अप्लाई कराती है, कुछ बैंक है जो आपने एक ही बार में अप्लाई कर दिया, आपको एक ही बार में 3 महीने का मिल गया जून जुलाई अगस्त का, ठीक है। अब जैसे आपको बता देते हैं, एक ही बार में देने वाला बैंक SBI है, जो आपको एक ही बार में यदि आपने केवल यस लिख के भेज दिया होगा तो आपको मॉरिटोरियम मिल गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं और दूसरा कौन सी बैंक है, जैसे HDFC है, HDFC आपको सारे ऑप्शन देती है। यदि एक बार में आप 3 महीने का लेना चाहते हैं तो 3 महीने का ले सकते हैं, यदि आप एक बार में 2 महीने का लेना चाहें यानी जून जुलाई का तो जून जुलाई का ले सकते हैं, यदि आप एक महीने में जून जुलाई अगस्त 3 महीने का एक बार, ठीक है, जून का एक साथ, तो इस तरह से। तो अब आपके पास केवल एक ही महीने का ऑप्शन बचा है यानी जून अगस्त का बचा है। तो अगस्त के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, फिर अब तेरा क्या होगा कालिया, अब कालिया यही होगा जो अब आपको अगस्त का मॉरिटोरियम लेना पड़ेगा। मॉरिटोरियम ले लो अगस्त का, ठीक है, मॉरिटोरियम लेके फिर अगस्त के बाद यानी अगस्त के जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उनके बाद आपको हो सकता है मॉरिटोरियम 3.0 भी मिल जाए, जिसकी संभावना पक्की है, 100% है, 99.99% पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा मॉरिटोरियम 3.0 भी। तो अब समझ में आ गए ना, एक है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन सभी बैंक NBFC के लिए अवेलेबल है ना अभी, तो यही इसीलिए हमने थंबनेल में रखा, एक है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन 3.0 सॉरी एक है मॉरिटोरियम एक्सटेंशन 2.0 यानी मॉरिटोरियम एक्सटेंशन चल रहा है 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक। देख लो आपने, सॉरी ये तो मैंने मार्च का खोल दिया, ये है आपको मई वाला, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर अर्लीवुड चैनल पर दिया हुआ ये सारी वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, वेबसाइट बनाना सीख लो, वेबसाइट डोमेन के साथ साथ हम आपको वेबसाइट भी दे देंगे और वेबसाइट भी आपकी बन जाएगी फ्री होस्टिंग में, ठीक है। और ये arlywoodonline.com विजिट कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च लो, सभी जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से आप डोमेन के साथ साथ हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग दे देंगे और साथ ही साथ वो फ्री होस्टिंग क्या होगा, वो 1 साल के मॉरिटोरियम पे मिलेगा। एक बार आपको केवल डोमेन का प्राइस पे करना है लगभग 1100-1200 रुपए और उसके बाद आपको उसके साथ वेबसाइट आपकी 5 मिनट में वेबसाइट बन जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो ये वाली पूरी खाने पीने वाली वेबसाइट है, ठीक है, तो आप भी बना सकते हो और बहुत अच्छी वेबसाइट, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।